नमस्कार। कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपके स्वागत बा। बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम में की अगली राज इसने कैमरा पर्सन नारायण के साथ में कार्यक्रम ये आपके अपने कार्यक्रम जी में हमरे हमन की समाज में विकृति हमरे कैसे हटा सके के और हमरे अपन जीवन में कैसे सफलता प्राप्त कर सके हमरे विशेष चर्चा कर जात ते ये कार्यक्रम ऐसे हमरे हमन के समाज में कौन व्यक्ति की आवाज़ बुलंद हो नहीं सकत बा हमन के चाहे महिला चाहे पुरुष चाहे एक ठू हमन के छोट बच्चा या युवा वृद्ध हमन के सब जन की आवाज़ बुलंद करे कोशिश कर जरा ते वैसे हमरे ये कार्यक्रम में के हर एक क्षेत्र के हर एक समुदाय के हर एक वर्ग के महिला और पुरुष के हमरे समेटल जला त्याज हमरे हमन के समाज में रहल विकृति हमरे कैसे हटा सके एक संबंध में हमरे विशेष चर्चा कल जी ते आज हमरे हमन के आज अतिथि बाटे हमरे आज न्यौता धल गिलवा मधेशी संघीय समाजवादी फोरम क्षेत्रीय महिला सदस्य किरण गुप्ता हमरे वहाँ से रह के आज बातचीत कल जी अति हमरे कार्यक्रम में सबसे पहले वहाँ के स्वागत कल जतबा कार्यक्रम में आपके स्वागत बा। नमस्कार धन्यवाद। हाँ ते वैसे आप एक महिला रह गिलवा अति वैसे हमन के महिला के अपन जगह में जो पीड़ा बा जो हमन के भोगाई बा अपने जगह पर बा ते आप एक टू महिला हो के भी और आज क्षेत्रीय महिला सदस्य रह गिल बा ते हमन के ई क्षेत्र में कहिया से प्रवेश कर गिल। अभी तो हम तो एक टू घरेलू महिला रहनी लेकिन इस क्षेत्र में आल गए महिला के सम हक और अधिकार खाती लड़े खाती महिला के हक और अधिकार के लड़े खाती महिला लोन के इस क्षेत्र वर्ग में हमारे क्षेत्र में जितना महिला वाले वो लोन के हक और अधिकार खाती हम इस क्षेत्र में आयल बानी। हाँ तो वैसे अब इस क्षेत्र में जो प्रवेश कर गिल इससे पहले आप कौन काम कर जाती है? इससे पहले हम एक हाउस वाइफ रहनी हाउस वाइफ रहनी फिर समाज में महिला के जो पीड़ा बाटे ओके समझ ले खाती ओके दूर करे खाती हम इस क्षेत्र में आई नहीं महिला के हक और अधिकार के खाते। हाँ तो वैसे आप जोन कहल गेल कि हमन के जोन मधेशी संघीय समाजवादी फोरम और क्षेत्रीय महिला सदस्य रह गेल बा ते ओ एकठू जोन आपके ये समुदाय भर के हो कि आप हर एक क्षेत्र के जोन हमन के महिला बांटना समेट सकल जी भ्रम के त तोड़े भाई मधेशी समाज फोरम मधेशी के ना बा हम महिला होकले के नाते अपने समाज के हर वर्ग के महिला के हक और अधिकार खातिर आवाज उठावत बानी और उनके हर एक हक और अधिकार खातिर लड़ब लड़ता आयल बानी। हाँ ते वैसे जो हमन के महिला बाटी या हमन के आपके समुदाय के खालसा बाहर निकले से वंचित बाटी बाहर निकले खोजत बाटी ना निकले पाने ते आप ये क्षेत्र में आए के खरतीन का समाज से कितना आलोचना अपमान सहक पड़ल इस समाज में एक तो महिला मधेशी महिला के समाज बाहर निकले खातिर बहुत ही संघर्ष करे के पड़ेला बाहर निकले के तरह तरह के लोग बात बोलल जाला समाज में महिला के भी महिला ली थोड़ा दबावल चाहेला महिला के आगे बढ़ल ना दिया चला हमने कानून में तो कितना हक और अधिकार दिए गए महिला लेकिन आज भी महिला लोग वो हक अधिकार से पीछे बा तो जब इस समाज में नहीं तो बहुत लोग बहुत तरह के सुनल गए कि ये ऐसे समाज में निकलल महिला लोग के हमनी के समाज में तो इसे कितना क्रूति बा दहेज प्रथा क्या क्या सब तरह के बा तो सब खातिर हमनी के बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ल बनी आ जब आगे निकल तो हम हर वर्ग के महिला लोन के हक और अधिकार खातिर आगे बढ़ल। हाँ तो वैसे हमन के समाज में देखल जा यदि लौट के अब हर एक जन व्यक्ति बाटे आजकल चाहे हमन के महिला कहल जा चाहे पुरुष कहल जा चाहे लड़का चाहे लड़की अब पहले और आज के तुलना में क्वालिफाइड बाटे जिसे अब पहले तो हमन के एक दुई क्लास भी पढ़ल हमन के मुश्किल रहे बकिन का आज अगर एक दुई क्लास ना हो कि हमन के डिग्री पी एच डी कल तक हमारे व्यक्ति भेटा सकल जला बकिन का हमन के समाज में जो क्वालिफाइड है अब सब जने योग्यता से भरपूर बाटे बकिन का हमन के समाज के जो विकृति बा यदि लौट के हमारे देखल जा चाहे महिला और पुरुष नहीं अब कितना जने दबाव में बाटे ते उदाहरण के करते हमारे देखल जा दहेज की बात हमारे कहल जा ते दहेज भी हमन के समाज में न हटे की और बढ़ के बढ़ते जात बा वैसे हमारे कहल जा कि दक्षिणी बेल्ट से आईली जो एक दहेज प्रथा हो अब उत्तरी बेल्ट तक पहुँच गई बा हमन के समाज में इतना बड़ा विकृति हो गई बा कि बिन दहेज के हमन के लड़की के शादी नहीं होला चाहे वो कितना बैचलर डिग्री कर ले रहे ते एक जो ई प्रथा हमन के हटाए खातिन या ई प्रथा आपके कैसन लगला ठीक बा कि नहीं दहेज ले के और दे खातिन हमरी समाज में हमनी के समाज में दहेज प्रथा सबसे बुरा कुरीति बा ये दहेज प्रथा के हटाए खातिर
आज ऐसा समाज में दहेज प्रथा के वजह से आज कितना भी पढ़ा लिखा लड़की होली इनको शादी कैले में आर्थिक परेशानी आवता वो दहेज प्रथा के खत्म करे खातिर महिला के जागरूक होके पड़ी चेतना लगाए पड़ी तब जाके दहेज प्रथा खत्म हुई। ते हमन के समाज में जो ना हमरे कितना जन से एक अनुसंधान कर जला कि हमन के दहेज प्रथा हटाए पड़ी कि नहीं ते महिला लोगन कहने की जी पीड़ित बा वो सब कहने हटाए पड़ी और जे लेत बा दहेज है वो कहला कि ठीक बा कहके ते वैसे यदि आपके दहेजे मिले रहे उस जगह पे ते सपोज एक आप भर के शादी होला एक लड़की हाल बा ते जी आपके घर के जो माता पिता बाटी आप सबके दहेज देख खोजा ते उस समय में आप का कहा इतना घर यदि लेहक परते का कहा जाता जैसे जब एगो लड़की आज समाज में ऐसा हो गल बा एगो लड़की जब पैदा होले तो पिता के एगो बोझ हो जाला कि हमार बेटी के कैसे दहेज दे ये चिंता लग जाला चाहे बेटी आज हमार कितनों पढ़ल लिखल हो समाज में लेकिन एक पिता के खातिर बहुत एगो मतलब बहुत समाज में विकृति बा दहेज प्रथा ओके कैसे दिहल जाए लेकिन वो भ्रम के अब तोड़े के पड़ी दहेज प्रथा हमारे नजर तो एकदम खराब बा ओके रोके खातिर महिला लोग के ही जागरूक होके पड़ी तभी दहेज प्रथा टूटी। हाँ ते अब कितना जने का होला कि जैसे अब जिकर लड़का भर बाटी वो सब कहने की दहेज पर था हमन के कारण से ना हो कि वो सब देने ते वास्तव में हमारे के हर से हर लड़े के कोशिश करे पड़ी थी जैसे इस समाज पर में पुरुष वर्ग जोन बा दहेज लेवे खाती मन लड़का बा तो दहेज मिली आज के समाज में ई हो गल बा बेटा बा तो हमार दहेज मिली सोफा आई कुर्सी आई इस तरह के समाज में ऐसा प्रचलन भइल बा हम दहेज ना लेते नहीं तो एके रोके खातिर खुद महिला लड़की के औरत महिला लोग के खुद आगे बढ़े के पड़ी कि हाँ हम पढ़ल लिखल बानी आज तक कानून बनल बा हर क्षेत्र में महिला लोग आगे बा पुरुष से कंधे मिला के आगे चढ़ल जाता और एक खातिर दहेज प्रथा के महिला लोग के खुद विरोध करे के पड़ी तब एके रोकल जाई। तो आप ये जो समाज में एक सामाजिक काम कर जतबा वैसे आप एक क्षेत्रीय महिला सदस्य रह गई बा ते ई के हटाए खातिर ने का कैसन कार्यक्रम योजना बनाई एक हम महिला लोग मिल के संगठन सब वर्ग के महिला लोग मिल के एगो कार्यक्रम हमने के हर जगह टोल में मोहल्ला में ऐसा कार्यक्रम चलावल जाला जैसे महिला लोग के अंदर जागरूकता आवे अपने हक अधिकार के बारे में जाने महिला लोग के शिक्षित प्रशिक्षण के बारे में उनके अंदर चेतना जगावे के पड़ी और खातिर हम लोग कार्यक्रम हर टोल मोहल्ला में कैल जाला जिसे अब हमन के का कैल जाला कि हरेक जिसे हमन के रूपंदेही कबिल वस्तु नौल प्रासी सब जगह हम अपने अनुसंधान के लिए व्यक्ति होनी तब हमन के दक्षिणी बेल्ट कहा जा या लुमनी साइड कहा जा पटरिया साइड कहा जा या हमन के बुटोल से दक्षिणी बेल्ट में भैरव साइड में जो हमन के महिला लोगन बाटी हैं बाहर निकल से वंचित रहने अब कितनों क्वालिफाइड उस सबके पुरुष रहने बकिन का बाहर निकल से बंदेज के लिए रहने ते आप सब जो आप इस क्षेत्र में लागल गेल इतना काम कर जतबा महिला के हक अधिकार के खातिर समाज के लिए अते आपके कितना दबाव आला कि घर से घर परिवार से कहा जाए गांव से समाज से एगो महिला जब घर से बाहर निकले ला तो क्या कहती एगो तो हम लोग समाज में बा पर्दा प्रथा पर्दा प्रथा बा पर्दा लगावे के हमने के मजबूरी में एगो समझ लिहल जाके एगो बंच थी कल गल बा समाज से परिवार से भी ए घर में कैसे के करी के करी कैसे निकलल जाई बहुत तरह के मतलब दबाव आवल जाला एक वजह से महिला लोग निकलल ना चाहेला अगर जो आज हम महिला निकलल बानी तो ये भ्रम के भी तोड़े के बा हाँ महिला लोग के समाज से निकाले के बा वो लोग के आगे बढ़ाए के बा। हाँ तो आप जो इस क्षेत्र में काम करे शुरुआत कर गल उतना समय आपके गांव समाज से कितना अपमान हो पड़ल ये तो बहुत ये तो सब समाज में तो बहुत लोग बहुत तरह के बात कहल गए कि ये फील्ड में ना जाए ना जाए चाहे ऐसे हो होगा बहुत तरह के लोग मतलब अफवाह ऐसा उड़ावल गए कि ए महिला लोग के क्षेत्र में ना जाए चाहिए अपन घर परिवार में रह बहुत तरह के लोग ऐसा बात कहल लेकिन फिर भी हम उस सब भ्रम के तोड़ के आगे बढ़नी आगे आईनी अब महिला लोग के हक और अधिकार खातिर आवाज़ उठावतनी उठाई। हाँ तो हमन के समाज में जो महिला लोग पीड़ित बाटी हर एक तरह के पीड़ित जिसे अब कहा जाए हमन के घरेलू हिंसा जो कि पुरुष से दबा में बाटी या जे भीतर से बाहर जाके ना पावत बा या कोनो लड़की हमन के कहा जाए कि हर एक हिसाब से अपन पुरुष से पीड़ित बा दहेज के कारण से ते जे दहेज के कारण से पीड़ित बा जो पुरुष पीड़ा देत बाटी वो पुरुष के खातिर आप कुछ कहे चाहल जाए वो पुरुष लोगन के हम ये कहल जा कि एगो महिला ही पुरुष के जन्म दिहली वो एगो माँ भी वाली बेटी भी वाली तो पुरुष के ही समझल जा कि हमार अपन बेटी के जब हम केहू के बेटी के कष्ट दे वो हमार बेटी भी तो एक जगह कहीं जाए
है कि ना तो ओके पुरुष लोन की कहल जाए कि महिला और पुरुष आज के जमाना में पुरुष और महिला सब बराबर बा बराबर अधिकार दिहल जा महिला आज मात्र घर में चूल्हा चौका करे खातिर ना बनल बा महिला के आज सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में हर क्षेत्र में आगे बढ़ल बा तो उनके बढ़ाए खातिर अपन प्रोत्साहन दिहल जा जब परिवार से प्रोत्साहन मिली तो महिला आगे बढ़ी पहले तो के परिवार से प्रोत्साहन मिले के चाहिए साथ मिले तो पुरुष लोगन से ये कहल चाह कि महिला लोग के आगे बढ़ावल जा उनके जब महिला आगे बढ़ी एक महिला जब हाँ एक परिवार में जब महिला ही परिवार के नेतृत्व करे ले तो महिला जब आगे बढ़ी तो समाज एक सुदृढ़ समाज बनी हाँ तो अमन की समाज भी एक ठू और का बात बा कि हमन के पढ़ा लिखा से वंचित करा के पढ़ा ना लिखा के हमन के जब शादी हो लागी ते उ सब के दही परी ये तो हमन के सोच हो गिल बा इस समाज में ते ओके पढ़ेले लिखेले से कौनो सिर्फ सिखेले से हमन के दहेज डाले ठीक बा कहीं के सोचने ते आपके विचार में शादी के समय में दहेज डाले ठीक कि उ लड़की के दहेज के सट्टा पढ़ा लिखा दे या कोनो सिर्फ सिखा ले ठीक है आपके विचार में हमारे विचार में तो लड़की दहेज प्रथा के ही खत्म कर जा अपन लड़की के पढ़ावल जा लिखावल जा उनके योग्य बनावल जा कि अपन फैसला खुद करे सके आज हमनी समाज में हर फैसला पुरुष वर्ग लिहेला महिला के कोनो हक सवाल ए महिला लोग के कोनो भी सवाल में जवाब में शामिल ना कर जाला तो हम तो यही कहल जाए कि महिला लोग के अपन हक और अधिकार खातिर महिला लोग के अपने बेटी के पढ़ावल जाओ लिखा जाओ उनके वो स्थान पहुँचा वो अपन फैसला खुद कर सके आ जहिया महिला स प्रशिक्षित हुई समझदार हुई पढ़ल लिखल आगे बढ़ी तहिया समाज आगे बढ़ी हाँ तो कितना जो नेता रहने अब का होला कि हर एक जगह में कार्यक्रम में अब वैसे हमारे देखा जा कुछ महीना पहले जो कि चुनावी माहौल में कितना भाषण छात्र रहने इस समाज से दहेज प्रथा हटा दे पाई बकिन का आज घड़ी जो एक नेतृत्व वर्ग में आ चुकल बाटे फिर भी हमन के दहेज देखल जा हिसाब से कहन के नाम निशान तक नहीं रहला वो बतिए नहीं करने सब या कहीं कार्यक्रम होते फिर दहेज की बात करिए फिर जो हमन के उहे नेता के नेताजी के घर हमारे देखा जीते उतने ज़्यादा दहेज की या विकृति के हमन के बात देखे सका जी वो बात का होला कि जो जे बड़ा रहला तेकर आवाज़ बाहर जा नहीं पाला कल के मतलब बेकार बात बाहर जा नहीं पाला और बढ़िया बात बाहर जाला हाँ ते आप एक ठू इस समाज के कहल जा हमन के दीप कहल जा या जोन की आप एक ठू अन्हार के चीरे वाला एक ठू आप दीप बन के रह के खातिर हमन के समाज में जो महिला सब बाटी कैसन कैसन कार्यक्रम लियाने ठीक बात ताकि हमन के हर एक वर्ग के हर एक क्षेत्र के हर एक समुदाय के महिला आगे बढ़ सकें महिला लोग के हर एक वर्ग हर एक समुदाय के महिला लोग के हर प्रशिक्षण कार्यक्रम दिहल जा उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम आज हमने महिला लोग कितना भी पढ़ल लिखल होकले के बावजूद बोले में नेतृत्व तो विकास करे खातिर भी ऐसा प्रोग्राम ऐसा व्यवस्था कार्यक्रम चलावल जाए लेकिन महिला अपन हक अधिकार के बारे में जानल करो सर उनके बोले के प्रशिक्षण दिहल जा ऐसे उनके मतलब आगे बढ़ावे खातिर जैसे कि कोई कार्य रोजगार दिहल जा आज तो आर्थिक कारण से भी महिला लोग आगे ना बढ़ल चाह पावत लोग चाहे कि परिवार से सपोर्ट ना मिलता है कि ना तो परिवार से सपोर्ट नहीं मिल पाते यही सब कारण से हम महिला लोन के जागरूक करे खातिर तरह तरह के कार्यक्रम लियावल जाता और उस सब में हम महिला लोग के आगे बढ़ हर वर्ग हम मधेश के महिला वाले मधेश के ना हर वर्ग सब हम महिला हैं एगो महिला हर समाज के महिला के हक और अधिकार खातिर उनके आगे बढ़ा के प्रशिक्षण कार्यक्रम भइल ऐसे तरह के कार्यक्रम के आयोजन कइल जाता महिला लोन के जागरूक कइले अपने हक अधिकार के बारे में आज देखल जाए चुनाव में अभी चुनाव स्थानीय चुनाव में महिला सीट जरूरी बा खोज खोज के महिला लोग के आगे बढ़ावल जाता महिला लोग के कठपुतली मात्र के इस्तेमाल कर जाता हर स्थान पे महिला सीट के रखे के भरवा लेकिन महिला के बस इस्तेमाल कर जाता ये भ्रम के सब तोड़े के बा और महिला लोग के जागरूक करे के बा हाँ तो हमन के जो समाज में कहा था अब जिकर जिस संपन्न परिवार के हाला उस सब सोचने की अब वैसे हमार घर में जितना भी हमन के दौलत बा बाहर जाए के कोनो आवश्यकता नहीं बा वो महिला का कारण कि कितनों पढ़े लिखले रहने अब हमरे बैचलर कहा जा या डिग्री कहा जा यदि वो लड़की कितनों पढ़े लिखले बगिन का अगर शादी होने के बाद जब संपन्न घर के रहने थे पुरुष लोगन का कहने कि हमार जो ये परिवार या संपन्न घर के हो कोनो कमी नहीं बा और घर ही में रखे ठीक बा यह चूल्हा चौका में ते जो ओकर पढ़ा लिखल बा कोनो सिप बा ओकर ते व्यर्थ हो जाला ते ओखन के खरदिन का कह सकता जी जिसे घर में तमाने दौलत बा संपन्न साली के जो घर परिवार होने ते ऊ भी महिला जो अपन पढ़ल चीज बा सीखल चीज बा प्रयोग करे ठीक बा कि हमन के चूल्हे चौके में व्यस्त रहे ठीक बा ते
हम तो ये कहल जाए महिला लोग अपन पढ़ल लिखल सक्षम होकरे के बावजूद चूल्हा चौका महिला देखी एगो घर में भी कर सकता और समाज में भी आगे निकल के अपन काम कर जा सकता। तो हम तो महिला लोग से ये कहल चाह कि आप आगे बढ़ल जाओ और अपने साथ साथ और भी महिला लोग के आगे निकालल जाओ। महिला मात्र चूल्हा चौका खाती ना, आज समाज के हर वर्ग में महिला के आगे आवे के सहभागिता देवे के चाहिए, आगे बढ़े के चाहिए। अपन ये नहीं कि डिग्री ले लिया महिला लाए डिग्री ले लिया बैठल बाटी घरे पढ़ा खाना बनाओ चुका। महिला एक पुरुष के काम तो बाहर के दायरा तक ही घर न महिला में उस शक्ति बा जो बाहर भी संभाल सके घर भी संभाल सके। तो महिला लोग ये कह जाए आप लोग अपन सक्षम योग्यता अनुसार अपन आगे बढ़ल जाओ, पीछे सर पुरुष वर्ग तो चाहबे करी महिला भी चाहता आज तो महिला भी महिला के दुश्मन बनल बा ओकर पीछे खींचे में बैठे कैले में अथी बा। तो महिला आप जब पढ़ल लिखल अपन समर्थ अनुसार आगे बढ़ल जा और समाज के नया दशा और दिशा दिखल जा। हाँ ते हमन के एक ठो व्यवहारिक हिसाब से कहा चल कि हमन के जो लोहा रहला लोहा के काटे के लिए लोहे प्रयोग कर जला। हाँ ते जो हमन की समाज में अब भी भरके कहल गेल कि महिला और पुरुष में हमन की भेदभावना के कि महिला के गोड़ महिला तानने। हाँ ते वो महिला के खातिर जैसे आप इस क्षेत्र में प्रवेश कर गेल ते आपके गोड़ ताने वाला ज्यादा पुरुष रहने की महिला आपके मतलब फलाने वैसन बाटे की ज्यादा महिला से दबाव आयल की पुरुष से ऐसा बा कि महिला पुरुष के तो बराबर सहभागिता बा। जब एगो महिला बाहर निकले लिए तो के बहुत तरह के संजाल के सामना करे पड़ेला। पुरुष वर्ग भी ए कहाँ निकलल वाली महिला हो के ये सब काम करे निकलत वाली तरह तरह के मतलब ऐसा ऐसा कुछ भ्रम दिहल जाला। इन सब के आदमी के चीर फाड़ के आगे जब बढ़ी तो वे पुरुष वर्ग वे महिला वर्ग ही आगे आके आपके सम्मान करी। तो उस समय तो महिला पुरुष दोनों महिला आज महिला ही महिला के दुश्मन बनल बा पुरुष भी बनल बा आज तो आगाड़ी बढ़ाते हैं फिर पीछे से पीछे टाना तनी ये हाल बा आजकल हमारे समाज के। तो हमारे के समाज में अंतिम में जोन की महिला लोगन आगे नहीं आग चाहत बाटी जितना अब कितना महिला लोगन आने की घर से अधिकार उखान के प्राप्त बा जिसे अब सब पुरुष के दोष हमारे देख नहीं सकल कितना पुरुष रहने की हमारे भी जो अपन परिवार बा बाहर जाके कौनो काम करे आगे जाके बोल सके ओकर क्षमता के विकास होए बकिन का उहे महिला लोगन भी बाहर आग नहीं खोजने अधिकार पाके भी अधिकार के प्रयोग करके नहीं सकने वो महिला के खातिर कुछ कहा चाल जी। वो महिला लोन खातिर हम ये कहल जाए हम महिला यही खातिर आगे निकलल बनी हर वर्ग के महिला लोगन के आगे आवल जाओ परिवार के पुरुष लोग भी उनके सपोर्ट दिहल जाओ ताकि महिला लोग आगे बढ़ें। पर सब पुरुष लोग तो ना खराब बा सब लोग तो बहुत ऐसा पुरुष वालों आज हमारे परिवार से ही पुरुष लोग साथ दिले तो आज हम बाहर निकलल बनी। महिला लोग के भी चाहे कि अपन आगे बढ़ल लो पुरुष वर्ग के भी साथ दें ताकि आगे बढ़ के अपन महिला लोग आगे बढ़ें उन लोगों के नेतृत्व विकास करे खातिर हम ये सब तरह तरह के कार्यक्रम ले आवल जाए ताकि महिला लोग आगे बोल सके। जैसे हमने पढ़ा लिखल होकले के बावजूद थोड़ा बोलने में असमर्थ होला तो ना बोलल चाहल चला चाहिए कैसे निकलल जाए कैसे बाहर से तरह तरह के भ्रम ऐसा बाटी समाज में उस सब तरह के तोड़ के सब महिला लोग आगे बढ़ें आ बढ़े ऐसा ऐसा कार्यक्रम के व्यवस्था कर जाता। देखिए महिला लोग बोले कि अपन कष्ट परेशानी के भी रहते हुए भी सामना ना कर सकेला ऐसा मतलब हमने के भ्रम बा। तो महिला लोग आगाड़ी बढ़ल जा हम लोग आप लोगों के साथ बानी और महिला लोग हक और अधिकार खाती हम उनके जौन भी हमारे पड़ी अपने तरफ से जितना भी कोशिश है हम लोग करल जाए। महिला लोग इस समाज में हर वर्ग के महिला लोग के ये मत सोचा कि मधेश के महिला तो मधेश की ना आज देश हम देश के महिला हैं हर वर्ग के महिला लोग के जो हमारे तरफ से पढ़ सक करी हम कर लोन के। ते हमन के समाज में अब एक बात का होला कि एक ठो कहीं भी हमारे तालाब देखल जा पोखरी देखल जा तेठो तालाब में एक ठो जो मछरी गंदा हो जाए ते उस सारा तालाब के पानी गंदा हो जाला सब मछरी के सरा देला। ते हमन के समाज में भी कोनो महिला यदि गंदा रहे या पुरुष गंदा रहे ते हमन के सारा समाज बिगड़ जाला। ते जो महिला बाटी या पुरुष बाटी समाज के महिला के या पुरुष के आगे बढ़े के नहीं देख चाहत बाटे अपने भी काम नहीं करी हैं दूसरे भी काम करके नहीं दी हैं। जैसे आप भी कहीं कार्यक्रम में जाल जाए थे वो सब महिला लोगों ने कही है कि फलाने ऐसा वैसा कह के हर एक तरह के जो बात करी हैं वो सब जे कर आचरण खराब बाटे वो सब के महिला के खर्तिन आप कुछ कह चाह जाए जी की काम करे देख नहीं चाहत बा ओकर खर्तिन। जैसे हम उस सब महिला लोन खातिर कहल जा आगे महिला जो आगे बढ़ल वालों जो समाज में ऐसा तरह के बहुत तरह के जे जहाँ जला कीचड़ में कमल खिलेला तो एक तो बदनामी हो जाता है समाज में महिला जब निकले ले तो उन की कहा जौन भी अपने आगे कार्य बढ़ल जाल जा ओके तनी अच्छा से कल जाओ ताकि महिला लोग उनके आगे बढ़े में एगो सब महिला जब गंदा होला अभी आप कहल गए ना कि तालाब में गंदा मछली लेला तो एगो महिला के गलत कदम से पुरुष वर्ग महिला के आगे ना बढ़े देवल जाए
है कि ना, तो उसे ये बा कि महिला एक महिला के काम के वजह से, गलत काम के वजह से सब महिला लोग के बदनामी होला। तो हम लोग के कहल जा जौन भी रास्ता में आपने आगे बढ़ल जा, अपन सही से अच्छा से अपन कर्म के अपन काम के वजह से अपना अच्छा से बढ़ल जा, ये हम कहल जा। हाँ, तो आप ये कार्यक्रम में जो अपन समय डाल के लिए आपके हृदय से धन्यवाद दे चल जा। आपके भी हम आप बुद्ध टेलीविजन के आपके इस कार्यक्रम हमके बुलाल गल, एमे सहभागिता दिहल गल, बुद्ध टेलीविजन के धन्यवाद दिहल चाह हमके एमे सहभागिता दिहल गल। हाँ, तो उसे हमरे इतना गरीब बात कल गल मधेसी संघीय समाजवादी फोरम क्षेत्र मेला सदस्य किरण गुप्ता से, और ऐसे हमरे आपके भी जो कार्यक्रम देख के सादर गल खुशी लगल, ऐसे आपके हृदय से धन्यवाद। ऐसे हमारे आज के अतिथि किरण गुप्ता वहाँ के भी फिर से धन्यवाद। ऐसे हमके कैमरा पर्सन नारायण अनु के बीच से धन्यवाद, और आप देखते रह जी बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन। यह कहत हम संचालक राज जी आपसे विदा होती। नमस्ते।